के अंदर इतना हमने दिखाया है 60-70 ml करीब पानी इसमें से निकला है, तो इसका रीज़न क्या रहता है, इसका कारण क्या है और इसका क्या उपाय है इस तरह से पानी जो भर जाता है डॉग के अंदर? तो गाइस इसका रीज़न ये होता है कि कहीं पर भी सब कुटेनियसली ब्लीडिंग हो जाए बाय चांस डॉग की, डॉग चल रहा है फिर रहा है कहीं पर उसको चोट लग जाए तो क्या होता है कि अंदर से कोई वेन फट जाती है या आर्टरी फट जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर खून इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और बाय द टाइम क्या होता है कि उसका जो सीरम होता है वो अलग सेपरेट हो जाता है और जो बाकी का मटेरियल है वो अलग हो जाता है। तो ये हीमेटोमा का केस है। इसमें बेसिकली हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है कि हमें इसको पहले तक तो ये निकालना पड़ता है, जो सीरम है वो बाहर निकाल लेते हैं और उसके अंदर हम एंटीबायोटिक इंजेक्ट करते हैं डॉग के अंदर। तो इसको प्रेशर बैंडेज भी रखनी पड़ती है डॉग के ऊपर ताकि वो जो उसकी डेड स्पेस है वो बस में दोबारा दोबारा से टूटना बढ़ता रहे। और उसके अलावा एक सॉल्ट होता है, सिप्जन फोर्ट की टैबलेट आती है, सिरेशोपेप्टिडेज। सिरेशोपेप्टिडेज बहुत ही बढ़िया रहता है हीमेटोमा के जितने भी केसेस होते हैं, ईयर हीमेटोमा है या किसी भी टाइप के बॉडी के अंदर कहीं पर फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है। तो सिरेशोपेप्टिडेज का वर्क क्या होता है बॉडी के अंदर कि जो भी अंदर का उसके जो RBCs या ब्लड उसका इकट्ठा हुआ हुआ है वो उसको लिक्विफाई कर देता है और बॉडी की मेन स्ट्रीम के अंदर डाल देता है। तो इसके अलावा हमारे को इसके अंदर इसका TLC भी चेक करवाना पड़ता है कि ये हीमेटोमा की वजह की बॉडी के अंदर एनीमिया तो नहीं हो गया या उसकी वजह से इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होकर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं हो गया बच्चे के अंदर। तो इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उस हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देते हैं, अगर इन्फेक्शन नहीं होता तो थोड़ा सा माइल्ड एंटीबायोटिक देते हैं एंटीबायोटिक अम्ब्रेला की तरह, तो इससे डॉग बिल्कुल क्योर हो जाता है। तो अभी बच्चे का देखो, ये छोटा सा बच्चा है और इतना सारा इसके अंदर से फ्लूइड निकला है, तो ये सारा के सारा हीमेटोमा का जो सेपरेट हुआ फ्लूइड है वही है। तो होप करता हूँ गाइस आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, इस टाइप का कुछ है तो तुरंत अपने वेट को दिखाइए। जब ये केस ज़्यादा एग्जीग्रेट हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग होती जा रही है उसके अंदर और वो फ्लूइड इकट्ठा होता जाता है, एक लेवल ऐसा आ जाता है कि डॉग एनीमिक होकर सडन उसके अंदर हार्ट अटैक की वजह से डॉग मर जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।